सो वेलकम टू अकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। हम यहाँ पे इवोल्यूशन का जो है पार्ट 3 लेके आ गए हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं प्रीबायोटिक सिस्टम, हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है होमोलोगस ऑर्गन को पढ़ लिया है, ब्रेन एंड हार्ट वर्टिब्रेट्स पढ़ लिया है, प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें देखा कि बर्जीनिलिया और कुकुरबिटा किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, और होमोलोगस ऑर्गन पढ़ लिया है। होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, जिसमें ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, और एनालोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने स्वीट पोटैटो और पोटैटो का एग्जांपल देखा था, शकरकंद और आलू का, ठीक है, कि दो एक मॉडिफाइड किससे होता है, रूट से, और एक मॉडिफाइड होता है स्टेम से, बट दोनों का काम एक ही होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च को जो है वो एकत्रित करता है, ठीक है, जिसमें ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, इसे एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, वेस्टिजियल से ही समझ में आता होगा कि बेकार, वेस्ट ऑर्गन, ठीक है, जिसका कोई यूज़ ना हो। तो आज बेसिकली हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज आर एक्चुअली रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री ऑर्गन किसे कहते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन उसे कहते हैं जिसे विच आर नॉट करेंटली फंक्शन, जो इस टाइम फंक्शन नहीं कर रही है, बट पहले करती थी, बट अब वो किसी और चीज़ में फंक्शन करती है और किसी अदर स्पीसीज में फंक्शन करती है। विच आर नॉट करेंटली फंक्शन इन अदर स्पीसीज, ठीक है, ओके। ऑर्गन इज अब्सेंट मतलब कि ऑर्गन अब्सेंट है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सम ऑर्गन आर नॉट फंक्शन, एग्जांपल में अपेंडिक्स, एरिकल मसल्स, थर्ड मोलर, कैनाइल टीथ, टेल बोन, ठीक है। अपेंडिक्स हम लोगों में कोई काम नहीं होता है अपेंडिक्स का, बट गाय और भैंसों में अपेंडिक्स का बहुत काम होता है। जो कच्चे चीज़ खाते हैं, से कच्चे पत्ते जिनको खाते हैं, वो पचाने के लिए अपेंडिक्स काम आता है, लेकिन हम लोग तो पका के खाते हैं, तो हम लोगों में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एरिकल मसल, कान में जहाँ लोग बालियाँ पहनते हैं, कान के जो मसल्स होते हैं, वो हम लोगों में कोई काम के नहीं होते, बट आप कुत्तों में देखेंगे, जर्मन शेफर्ड को वो खड़े कर लेते हैं, हाथी में देखेंगे उससे जो है वो मक्खी को इधर उधर करते हैं, ठीक है, हवा देने के काम में आता है, बट हम लोगों का जो है कोई फंक्शन नहीं होता। थर्ड मोलर, 18 से लेके 25 के बीच में आप देखेंगे दांत के एकदम पिछले हिस्से पे एक और दांत सा उभरता है, जिसकी जब वो आता है तो दर्द सा करता है, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और डॉक्टर उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो वेस्ट है, हम लोगों के बॉडी में उसका कोई काम नहीं है, जिसे हम लोग थर्ड मोलर टीथ कहते हैं, ठीक है। कैनाइन टीथ मतलब आप देखेंगे कि सामने भी कभी कभी ऐसे टीथ जिनका कोई उपयोग नहीं होता, वो इधर उधर करके वो निकल जाते हैं, तो उन्हें कैनाइन टीथ कहते हैं, ठीक है। टेल बोन, कभी कभी बच्चा जब पैदा होता है तो आप वहाँ पर देखेंगे उसको पीछे हल्की सी पूछ जैसे एक कोई हड्डी या फिर मसल्स कह लें वो रहती है, ठीक है, जिसे बाद में डॉक्टर सर्जरी करके निकाल देते हैं। पहले ऐसा हम लोगों में कहा जाता है, पहले टेलबोन हम लोगों में था, पहले टेल थी पूंछ, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो वो लुप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, हम लोगों में कोई जो है वो टेलबोन का यूज़ नहीं किया, तो वो धीरे धीरे गायब हो गया, ठीक है, हम लोगों में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस अबाउट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन, हम ह्यूमन बॉडी में 180 वेस्टिजियल ऑर्गन होती हैं, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से ये इतने जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिका के थे, ठीक है, वो नेचुरल सेलेक्शन करते थे, नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ कि नेचुरल के स्टडी के लिए उनको जगह जगह भेजा जाता था, तो वो क्या किए, गालापागोस आइलैंड गए, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, गालापागोस आइलैंड गए, किस बोट से गए, CHMS बीगल, ये शिप का नाम था, आप इसको भी याद रखिए, CHMS बीगल, इसी शिप पे बैठ के वो कहाँ गए, साउथ अमेरिका के
गालापागोस आइलैंड पे गए। वहाँ पे डार्विन ने क्या देखा, इंडेमेनिक स्पीसीज को देखा। इंडेमेनिक स्पीसीज मतलब फिंचेस को देखा। फिंचेस एक ब्लैक बर्ड थी, ठीक है, ब्लैक बर्ड थी, जो कि क्या देखते हैं वहाँ पे कि बर्ड तो अक्सर सीड खाती हैं, बीज खाती हैं, जैसे गेहूं चना वगैरह, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुकी थी इंसेक्ट ईटिंग में। मतलब वहाँ पे इंसेक्ट नहीं पाया जाता था, वो बर्ड जो है वो इंसेक्ट को खाती थी, इंसेक्ट ईटिंग हो चुकी थी। बट वो बहुत सी जगह गए, वहीं पे ही बहुत सी जगह गए, अदर आइलैंड पे गए, तो वही फिंचेस, फिंचेस बर्ड का नाम है, वही फिंचेस कहीं पे उन्होंने देखा कि वो सीड खा रही हैं, कहीं पे उन्होंने देखा वुड पीकर हैं, और कहीं पे देखा इंसेक्ट ईटिंग है, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि इससे उन्होंने क्या पता लगाया, इवोल्यूशन विच इज हैपनिंग टू डिफरेंट टाइप्स एरिया बट प्रोड्यूसिंग सेम रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसी को ही पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, कन्वर्जन इवोल्यूशन को ही पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका मतलब समझाते हैं कि उन्होंने ये देखा कि एक ही पक्षी है जो कि कहीं पे इंसेक्ट ईटिंग कर रही है, कहीं पे सीड ईटिंग कर रही है, कहीं पे वुड पीकर है। मतलब उसने क्या किया कि अपने जीविका को चलाने के लिए जैसा जगह था उस हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को इवोल्यूट किया। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। अभी आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, आप चावल ना खाते हों, वहाँ पे सिर्फ चावल छोड़ा जाए तो आपको भूख लगेगी, भले ही आप चावल ना खाते हों लेकिन आप चावल खाएंगे। आपने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूट करना, ठीक है। इवोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग टू डिफरेंट टाइप्स एरिया, मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के एरिया प्रोड्यूसिंग सेम रिजल्ट, डेट इज कॉल्ड कन्वर्जन इवोल्यूशन। मतलब दो टाइप की स्पीसीज हों, ठीक है, और दो अलग अलग एरिया में हों, ठीक है, और सेम चेंजिंग हो रही हो बट रिजल्ट एक ही हो, तो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसा कि उसने देखा कि फिंसेज है, पक्षी एक है ब्लैक बर्ड, बट वो कहीं पे सीड ईटिंग कर रही है, कहीं पे वुड पीकर है, कहीं पे इंसेक्ट ईटिंग है, ठीक है। तो इसी को उसने क्या कहा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ही पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये था इवोल्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने वेस्टिजियल ऑर्गन देखा और बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को देखा, ठीक है। और इसमें आप उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी। हम एक एक टॉपिक करके आपको पर डे समझाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे और भी वीडियो आप चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।